क्या कहना चाहेंगे थोड़ा अपने बारे में? मेरा नाम योगेश गोसाई है, मुझे योगी भी बुलाया जाता है। मैं दुबई में बेस्ड हूँ लास्ट 12 साल से, और मैं जनरली होलिस्टिक वे में, मतलब जिसको बोलते हैं कि एकदम पुरानी पद्धति से बता के कि क्या चीज़ें हमारे अंदर है जो हमें दिखती नहीं है। जैसे हमारे अंदर चक्रास होते हैं, हमारे आसपास में बहुत सारा ऑरा होता है जिसको मंडला बोला जाता है। सो मैं लोगों को, जैसे कोई भी मेरे पास आता है जब भी, तो उनको मैं बिना उनके जाने उनके बारे में पता लगा सकता हूँ और उनको गाइड कर सकता हूँ एज अ कोच। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनके डिप्रेशन होती है, डिप्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई चीज़ ऐसी रखी हुई है आसपास जो उनको नहीं दिख रही है, बट मेरे पास सारी मशीनें हैं जिसमें हमारे अंदर से ना लाइटें निकलती है जो हमें नहीं दिखती है, बहुत फ्रीक्वेंसीज होती है हमारे पास में। तो जब हमें पता चलता है कि उस बंदे का, कोई बोलेगा भाई हमारा फाउंडेशन नहीं हो रहा है, डिप्रेशन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, तो उसको ज़रूर उसका जो बोला जाता है मूलधार चक्र, जिसको बोलते हैं रूट चक्र, थोड़ा सा ख़राब होगा, उस वजह से हो रहा है। तो जब मशीन से हम उसको स्कैन करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस पर्सन में रूट का प्रॉब्लम चल रहा है, जिसका मतलब है कि वो पर्सन रूटेड नहीं है। तो उसके लिए बहुत सिंपल चीज़ होती है कि रूट का कलर होता है लाल। लाल मतलब अपने आप को सोचो कि आपके आसपास में रेड कारपेट है और आप उसके ऊपर वर्क करो। तो इस तरह से हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं और 5 तत्व तो हमारे हाथ में है कि उस पर्सन का फायर कैसा है। फायर मतलब वो पर्सन का विजन ठीक है, वो पर्सन का आमदनी अच्छी हो रही है। एक होता है वायु, वायु मतलब वो सांस ले रहा है कि नहीं। अब आदमी जब स्ट्रेस होता है तो वो सांस नहीं ले पाता है, तो उसका वाकई में हार्ट के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्योंकि हार्ट का काम है एयर पंपिंग करना। उसी तरह से हमारा थ्रोट होता है, थ्रोट चक्र बोला जाता है उसको, जो कनेक्ट करता है। हो गया? एक हमारे में थ्रोट चक्र होता है जो हमारे 5 सेंस के साथ कनेक्टेड होता है, कि मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं क्या स्मेल कर रहा हूँ, मैं क्या टेस्ट कर रहा हूँ, और क्या चीज़ मुझे टच कर रही है। सो बेसिकली अगर ये 5 तत्व हमारे कंट्रोल में है तो हमारे को ना कोई बीमारी होगी और ना कोई रुकावटें आएगी। तो हमारी इमोशनल बॉडी जो होती है, जैसे इमोशन है, इमोशन ऑफ डिप्रेशन के, इमोशन ऑफ फेलियर, वो उसका इफ़ेक्ट हमारे शरीर पे पड़ता है। तो फिजिकल बॉडी पे जो भी आपको प्रॉब्लम्स आते हैं वो इमोशंस की वजह से आते हैं। तो अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हो गए तो आपका फिजिकल फॉर्म भी स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीसरा होता है मेंटल इम्बैलेंस, जिसको भी एक वायुमंडल में बोला गया ऑरा। अगर मेंटल प्रेशर आता है लोगों को, वो क्यों आता है, क्योंकि उस पर्सन का यहाँ तो ब्रेन में कोई इश्यूज चल रहा है, कि बार बार सोच रहा है। तो इसके रेमेडीज़ बहुत सिंपल होते हैं। अगर जैसे मैं दुबई में जैसे लोगों की वो फ्रीक्वेंसी एक बार रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो उसमें पूरा डायग्राम से पता चल जाएगा कि उस बंदे का कौन सा तत्व काम नहीं कर रहा है। अब उसके रेमेडीज़ एक नहीं है, उसके बहुत सारे रेमेडीज़ है, बट वो आप ही को करना है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको दवा देता है, तो इसमें होती है नॉलेज। अब नॉलेज को बोला गया विद्या। अगर आपने नॉलेज ले ली, आपको प्रोडक्ट की नहीं ज़रूरत है। तो मैं प्रोडक्ट्स में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं लोगों को गाइड करता हूँ कि थोड़ी सी चीज़ें करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे वास्तु है, वास्तु भी मैं इसके साथ में करता हूँ, जिसमें वास्तु ये बताता हूँ कि आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें पड़ी है उसको सिर्फ सही जगह पर रखो। अग्नि की जगह पर कोई अग्नि की चीज़ रख दो, पानी की जगह पर कोई पानी की चीज़ रख दो, आपका बैलेंस हो जाएगा। तो वो बैलेंस आपके ऊपर अफेक्ट करेगा, आपको नींद अच्छी आएगी। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से आदमी का ज़्यादा में ज़्यादा 21 दिन में उसको रिज़ल्ट आना ही आना है। तो हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अच्छे काम करो, जिसको बोला जाता है कर्मा, इसलिए मेरी कंपनी का नाम ही कर्मा योगी है, कि आपके कर्म आपके रास्ते खोलेंगे। सो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी कोई भी चीज़ आपके आसपास हो रही है तो उस इमोशन को फिजिक्स में मत जाना दो, अपनी फिजिकल बॉडी में, उसमें से बाहर निकल के अपने ऑब्जर्वर बन जाओ कि ये क्यों हो रहा है। अपने आप से क्वेश्चन डालो, आपको आंसर यूनिवर्स देगा। आपके ऑफिस की बात करें तो कहाँ कहाँ आपके ऑफिस हैं और कितने क्लाइंट हैं आपके पास, कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, कितनों को आपने ठीक कर दिया इसके बारे में? देखो, पहले 25 साल पहले मैं बॉम्बे में था, अब मैं जब दुबई में हूँ पिछले 12 साल से, तो दुबई में आज जैसे ऑनलाइन जब कोविड से शुरू हुआ है, तो ऑनलाइन में मेरे पास सिंगापुर, लंदन,
जो कंट्री का नाम लो वहाँ से सब क्लाइंट है, बट दुबई में दुबई पुलिस, दुबई म्यूनसिपैलिटी और सब बड़े लोग जिनके नाम हम ले नहीं सकते, सब हमारे पास आते हैं और मेरा काम है उनको रास्ता बताना और उनको रेमेडीज़ देना, क्योंकि रेमेडीज़ बहुत आपके आसपास ही पड़ी है बट आपको दिखती नहीं है। बट जब मैं आपको कोच करता हूँ तो मैं होलिस्टिक कोच करता हूँ, ताकि आपको कोई भी रुकावट है वो आप ही ठीक करोगे, आपको दवाई बाहर से नहीं लेनी, आपके घर में ही होती है। सो इस तरह से चलता है। हीरम जी को भी आपने ठीक किया है, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो इरम जी तो मतलब अभी ऑलमोस्ट फैमिली है, तो इरम जब मेरे पास आई थी तो इरम के पास सब चीज़ें थी, पर क्योंकि इनका दृढ़ निश्चय बहुत था, तो शी इज़ अ वॉरियर एंड शी इज़ वेरी नाइव एट हार्ट, तो मैंने सिर्फ फ्रीक्वेंसीज और मेरे पास एक मशीन है जिसको बोला जाता है लूसिया लाइट, तो मैंने उनको वो लूसिया लाइट दी। जो वो लाइट क्या करती है कि आपको एक बेड पे लेट जाना है और ऊपर से लाइट की फ्रीक्वेंसीज आती है, आपकी आंखें बंद है और आप एक म्यूज़िक पे हो, तो वो आपका एक तरह से तीसरी आँख को खोल देती है। तो हम कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स को लेके सो जाते हैं और भूल जाते हैं उस प्रॉब्लम को, तो जब हम सोने जाते हैं तो वो प्रॉब्लम्स आपको तंग करते हैं और इंसोमनिया ले जाते हैं, मतलब आप अचानक उठ जाओगे फिर आपको नींद नहीं आएगी। तो जब इन्होंने वो लाइट ली तो वो लाइट को ऐसा माना गया कि वो मेडिटेशन लैम्प है, जैसे पुराने योगी महायोगी या जो भी मौलाना लोग थे जो लोग प्रेयर्स करते थे, तो वो लोग एक लाइट देखा करते थे। तो ये वो लाइट है जो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स होते हैं, जिसको ब्रेन का स्ट्रेस बोला गया, उसको रिलीज कर देता है और आदमी को रास्ते खोल देता है। सो दैट्स व्हाट। लास्टली आपका योगी नाम कैसे पड़ा? ये बहुत फेमस नाम है। योगी नाम देखो, जैसे मेरा नाम योगेश है, तो जब मैं दुबई गया 11 साल पहले, तो जो मैं काम करता हूँ वो क्योंकि एक पद्धति से करता हूँ जहाँ मैं स्पिरिचुअलिटी को भी लेके आता हूँ और एक योगिक वे से भी करता हूँ, तो लोग मुझे डॉक्टर योगी बुलाने लग गए। अब योगी नाम तो मुझे दे दिया दुनिया ने, बट डॉक्टर योगी सारे, चाहे वहाँ के लोकल हो जो भी आते थे, डॉक्टर योगी। तो ये ऊपर वाले का मैसेज था और ऊपर वाले की ही दया से मैंने, अभी मेरी PhD कंप्लीट हो रही है, तो बाय नवंबर मैं USA से PhD कर रहा हूँ मेटाफिजिक्स में, तो मैं रियल डॉक्टर भी बन जाऊँगा। तो हाँ, ये सब टाइटल लोग ही देते हैं। मैम आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? मैं दो चीज़ें मैं बात ख़त्म कर रही हूँ। पहली बात तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस में बात कर रही हूँ। इट इज़ अबाउट द व्हाट सेलिब्रेशन टुडे, इट इज़ अबाउट द ईद सेलिब्रेशन, क्योंकि मैं अपने जो कहती हूँ मैं करती ज़रूर हूँ, और मीडिया से मुझे हमेशा से कनेक्शन रहा है, हमेशा से प्यार रहा है। तो आज मैंने आप सबको बुलाया था एक छोटी सी खुशी बांटने के लिए, हर साल करती हूँ चाहे वो ईद हो चाहे दिवाली हो। तो इसी बहाने आज हमारे योगी जी भी आए हुए हैं फ्रॉम दुबई, कर्मा योगी कंसल्टेंसी इनकी है, ही इज़ अ होलिस्टिक लाइफ कोच एंड मैं एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कि इन्होंने मुझे ठीक किया है। तो आज हमने सोचा कि कोई थोड़ी खुशियाँ इन्हीं के हाथ से बांटी जाए। तो इरम से एंटरटेनमेंट फील सो यू नो हार्टली वेलकम विद योगी जी, योगेश गोसैन फॉर मीडिया। एंड यस, मैं बहुत पहले, आप दो साल पहले अगर जाके देखेंगे मेरे इंटरव्यूज़ में, तो बहुत चेंजेस आए हैं मुझ में, चेंजेस आए हैं। वो चेंजेस ऊपर वाले की कृपा, डेफिनेटली मेरी मम्मी की दुआएं और योगी जी, क्योंकि इन तीनों ने मिल के ना मुझे सच में ठीक किया है। और बहुत मैं डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत तकलीफ़ों से, हर कोई निकलता है, सबके अपने अपने हालात होते हैं। बट मैंने जो ट्रीटमेंट लिया, मैंने जो इन्होंने मुझे जो जैसे गाइड किया, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग, ये जो करते हैं एवरीथिंग इज़ फ्रॉम साइंटिफिक वे। हमारी जो प्राचीन पद्धति है, साइंस जो हमारा विज्ञान बहुत पुराना है, तो उसी को लेके आगे आए हैं। मैं चाहती हूँ लोग इन तक पहुँचे, इनको जाने, क्योंकि ठीक होना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन योगी जी जैसे लोग हैं इस दुनिया में जो शायद एक दृढ़ निश्चय के साथ और आपको ज़रूर ठीक कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आज आपसे आप सब ने अपनी बात रख पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। जब आपने बताया कि आप डिप्रेशन में थे, तो योगी जी के बारे में कैसे पता चला आपको और कैसे कॉन्टेक्ट हुआ आपको? योगी जी से मुझे एक हमारी शोभा आर्या जी हैं, उनका वाव महासा अवार्ड था, तो वहाँ पर ये आए थे, तो मैं वहाँ से मिली। उस वक्त भी हम लोग का बस नंबर एक्सचेंज हुआ था,
बट हमारी बात तब मैंने आई एसेप इन दुबई, मैं अक्सर जाती रहती हूँ, आई हैव अ राबिया इंटरनेशनल कंपनी, तो मैं वहाँ से इनसे कनेक्ट हुई, उसके बाद से आज तक साथ हूँ और लाइफ लॉन्ग वी विल बी टुगेदर फॉर श्योर। ओके, लोगों को क्या गाइड करना चाहेंगे? लोग डिप्रेशन में जब जाते हैं तो कई गलत कदम उठा लेते हैं, डिप्रेशन के वक्त क्या लोगों को गाइड करना चाहेंगे? शायद ऊपर वाले ने मुझे योगी जी के को भेजा मेरी लाइफ में कि उन्होंने मुझे ठीक किया, ट्रीटमेंट दिया उन्होंने मुझे, और मैंने अच्छा रिकवर भी किया, क्योंकि बिलीव होना बहुत ज़रूरी। लेकिन ये है कि आप अगर ऐसी सिचुएशन में, तो सबसे पहले आपके अंदर खुद ठीक होने का दृढ़ निश्चय होता है। कुछ लोग होते हैं मैं बाहर हूँ, उनको मज़ा आता है, देखो मेरी इतनी फाइलें हैं, मैं इतनी सारी मेडिसिन खाता हूँ। आपको ठीक होना है और सच में ठीक होना है, तो अपने आप पे बिलीव करिए, ऊपर वाले बिलीव करिए, और अगर डॉक्टर ने प्रोवाइड की कुछ मेडिसिन और या आपको कुछ परहेज़ बताया तो उसको ज़रूर फॉलो करिए। रही बात डिप्रेशन की, डिप्रेशन होता है, लाइफ ऐसी है, लेकिन ऊपर वाले पे हमेशा विश्वास रखिए, ऊपर वाला आपके हमेशा सुनेगा। हाँ, शादी बाज का जो आइटम सॉन्ग था सलीम साला, वो अभी हमने रैपअप किया, कल ही हमारी रैपअप पार्टी भी थी चाइना गेट में, एंड थैंक्स टू अनुषा फॉर ऑर्गेनाइज सो वेल, एंड थैंक्स टू इराम्स एंटरटेनमेंट टीम, माई होल टीम, फैज, चिराग, हिमेश, मुस्कान, दीपक एंड सो मेनी फैम्स, फॉर गेटिंग समवन्स नेम, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट फिरोज ने इतना अच्छा कोरियोग्राफ किया, तो कल का गाना मेरे पास आ चुका है, बस मैंने अपने हाथ बांध के रखे, आई एम गोइंग टू रॉक, वी विल रॉक, शादीबाज विल रॉक फॉर श्योर। सेकंड कब से शुरू करने वाले शादीबाज का? शादीबाज का जो सेकंड वो है आई थिंक, और जैसे ही अभी हम मीट ब्रदर्स का गाना भी हम करने वाले हैं, एंड शूटिंग आप देखिए फिंगर क्रॉस कहाँ होती है, शायद हम थिंकिंग आउट ऑफ द इंडिया ऑल्सो, लेट्स सी। थैंक यू सो मच।